बेबू एंड पापा, हम लोग कहीं भी ढूंढ लेते हैं अपना वर्कआउट का जगह, है ना? क्या वर्कआउट किया सुबह से? हाँ, सुबह से रनिंग किया। बस रनिंग किया, उतने में थक गए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है। हाँ। माउंटेन्स पे सांस जल्दी फूलती है हमारी, सी लेवल पे रहने वाले लोगों की। डे टू कश्मीर, कौन सा मंदिर का क्या नाम है भाई? श्री शंकर आचार्य मंदिर, जो कि है श्रीनगर में, एकदम ऊपर पहाड़ी के ऊपर, 5 किलोमीटर ऊपर आए हम। यहाँ से पूरा व्यू तो मतलब क्या फॉगी फॉगी है, फॉगी है, बट बहुत ऊपर है हम, व्यू जबरदस्त है। मतलब रियल लाइफ में व्यू देखने मजा आ रहा है, रियल लाइफ में। हमारा डे वन का स्टॉप है, इसके बाद कहाँ जाएंगे? हाँ, इसके बाद मुगल गार्डन। ये बोलती है हाउस बोट चलते हैं। हाउस बोट क्या होता है? उसमें ऑल अराउंड पानी में घर बनाया होता है। मतलब ये तो भाई हम बहुत यूज्ड टू है, जहाज पे हम महीनों महीनों ऐसे रहते हैं, हमारे लिए क्या क्या बड़ी बात हो गई। देखो यही सब हाउस बोट्स हैं, इतने सारे पानी में, डल लेक के अंदर है ये सब। एसी है कि हीटिंग है? अंदर है। अरे डार्लिंग, अंदर हीटिंग है, हीटिंग। बाहर जा टेम्परेचर कम है, अंदर ज्यादा है। आपके नाक देखो कैसे गंदा हो रहा है। हाँ, तू घुमा रही है, हम मैं अम्मा बेबू और मेरे को घुमा रही है, मतलब कि रंजना सिंह घुमा रही है, तो हमें मजा आ रहा है। हम बच्चों की तरह घूम रहे हैं, हमें ना कहीं पेमेंट करना है, ना कुछ करना है, ना कुछ सोचना है, सब कुछ प्लानिंग, पेमेंट, फूड, एवरीथिंग दिस वुमन विल डू, राइट? सो मच फन। इस गार्डन का क्या नाम है? मुगल गार्डन, ठीक है। ओके दोस्तों, आप देख ही रहे होगे कितना खूबसूरत गार्डन है, बट नॉट रियली, व्हाई नॉट? बिकॉज ऑफ पीपल लाइक दिस। ये देखिए, ऐसे पूरे गार्डन में पूरा कचरा ही कचरा है, लोगों ने फेंका है, अब कितना साफ कर सकते हैं। अभी देखिए कितना खूबसूरत पेड़ है, इसमें प्लास्टिक डालना क्या जरूरी था? सो अपनी तो नज़र ही खराब हो गई, कचरे पे ही नज़र जाती है यार, जहाज में काम करने के बाद ऐसा होता है। फ्लावर्स देखो, नीचे देखो ये मतलब। फ्लावर्स देख रहा हूँ, बट इतना खराब लग रहा है इन ब्यूटीफुल फ्लावर को देख के ना, कि भाई इनको भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी लोगों ने फेंका है हर जगह कचरा कचरा कचरा, प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, आके फोटो खिंचवा रहे हैं सब, और यही लोग गंदा करके जाते हैं। इनके बच्चे भी वही सीखते होंगे। बेबू, सब कबूतरों को उड़ा दिया आपने, कबूतरों को उड़ा दिया। एक बच्चा है, जाओ उसके पास, वो ब्रेव है। डस्टबिन, डस्टबिन के बाहर कचरा नहीं फेंकते, डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं। और ये होने वाला है, एक्चुअली आई थिंक किला विला वहाँ था और राजा ने उसके आगे गार्डन बनाया था, वही मेंटेन हो रहा था तब से। ये हो गया यहाँ से टॉप व्यू। और ये बाबा डेंजरस है, गिर जाएंगे तो। कुछ में पत्ते हैं बेबू, वाटर है। I am really shocked and surprised कि ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे किसी ने रेलिंग्स नहीं लगाई, क्योंकि बच्चे क्रॉस कर रहे हैं। आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड शॉक टू सी कि ये इतना बड़ा गार्डन है, इतने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और ये जो जगह है यहाँ पे रेलिंग नहीं लगाई गई है, सीढ़ी चढ़ के सीधा आप यहाँ पहुँच सकते हैं, लोग यहाँ से फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, कोई बच्चा यहाँ से गिर सकता है, और गिरेगा तो सिवियर इंजरी होगी उसको, सिवियर। हाँ, मुगल गार्डन के बाद हम आए हैं यहाँ पे शिकारा राइड करने। हमने जो राइड लिया है
वो है 6 पॉइंट वाला, है ना, 6 पॉइंट वाला. नो वी नेगोशिएटेड वट एवर इट इज, द जेन्युइन प्राइस इज 1500 रुपीज फॉर 6 पॉइंट फॉर अ ट्रिप ऑफ आवर एंड अ हाफ. आई लव दिस गुड एक्सपीरियंस, कस्टमर नीड्स गुड एक्सपीरियंस. बेबू एंड मी आर सिटिंग इन शिकारा फॉर द फर्स्ट टाइम. आज तक हमने कभी ऐसे पानी में गए नहीं, हमने कभी पानी देखा ही नहीं, हम कभी बोट में ट्रैवल ही नहीं किए. हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि जहाँ की हम जा रहे हैं और हमें चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है. ऐसे तो हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं. कभी नहीं देखा ऐसा, क्या बात है. देखा, झूठ मत बोलो. कभी ही, कभी जब हम शिप पे गए थे सब लोग ने बोला बुलाई. वीडियो बना लेके तो सीधा ही रहे, तेरे वजह से बोट भी ऐसे ऐसे हो. खराब चीज होकर बनेगी, चार्ज लिस्ट करवा ली. इसलिए ज्यादा वजन वाले लोगों को ना डोंट लिस्ट अपोजिट साइड बैठना चाहिए. नहीं, इसमें चार लोग बैठते हैं मैडम, डोंट वरी, डरने का जरूरत नहीं है. नहीं नहीं, डर कौन रहा है. तो देखो इस आदमी को, इसको पानी से डर लगता है. कितने फुट पानी से डर लगता है? 4 फुट तक ओके. हाँ. 4 फुट से ज्यादा रहता तो मुझे बहुत डर लगता है. यहाँ 10-12 फुट का पानी है, बताओ. आज तक मैं जिंदगी में कभी इतने गहरे पानी में मैं गया ही नहीं कभी. नहीं नहीं, आज डर निकालेंगे भैया, पूरा डर निकालेंगे सर को, है ना, कंप्लीट डर निकालेंगे. बैठो बैठो, लाइफ जैकेट है ना, राशन है ना, लाइफ बोट. ये देखो बेबू और मैं क्या कर रहे हैं, शिकारा राइड एंजॉय कर रहे हैं ना. या शिकारा राइड क्या होता है? शिकारा राइड एक बोट में बैठते हैं और पानी में ले जाते हैं. ओके, हमने मीना बाजार, इसको मीना बाजार इसलिए बोलते हैं जब से मीना आई थी, मतलब मीना कुमारी कश्मीर की कली, तब से इसको मीना बाजार बोलते हैं, है ना. तुमने क्या खरीदा? अदरक कूटने का सामान बोले. और बेबू ने क्या खरीदा? ये पेंसिल, एक अपने लिए, एक फ्रेंड के लिए, है ना. अभी मैं यहाँ पूरा मार्केट है बेसिकली, बोट के अंदर से आप मार्केट घूम सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो. आज किधर आए हम बेबू? थर्ड डे हमारा केबल कार बुकिंग नहीं हुआ था, तो हम घोड़े पे जा रहे हैं ऊपर, और घोड़े लोग वाटर ब्रेक ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं. यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शांति है यहाँ पर, मतलब गुलमार्ग का हमारा कोई टिकट नहीं है तो लेवल वन, कुछ स्टेज वन है, स्टेज टू है, तो अभी हम बीच में कहीं रास्ते पे है क्योंकि हमने बुकिंग नहीं करी. तो जो भी आ रहा है यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग करके आओ, गुलमार्ग का जो केबल कार है, गंडोला बोलते हैं उसको, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग है और कोई तरीका है नहीं. ओह, बात करते कर गए आइस में स्लिप, नीचे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है. जस्ट ब्यूटीफुल एवरीवेयर. यस बेबू, हाउ इज योर एक्सपीरियंस सो फार? ये जो हम इधर बैठे हैं, या देखो कितना अच्छा ये लकड़ी का बनाया, मस्त सनलाइट भी आ रही है. Amazing. How is your ride going? मजा आ रहा है, थोड़ा डर लगता है. घोड़े पे इसको डर लगता है? घोड़े पे मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मुझे तो पानी से डर लगता है. मुझे मजा आता है. हाँ, घोड़े से मुझे कोई डर नहीं लगता, मुझे जो डर लगता है पानी से बहुत डर लगता है. मैं गहरे पानी में कभी नहीं जाता. घोड़ा वोड़ा ओके. पापा झूठे हो, मुझे पता है आप शिप सेलर हो, आपको पता है. और वो कल वाला बंदा सोच रहा था तुम असली में. हाँ बिल्कुल, तो क्या इसी रहे? भाई पहाड़ों में खाने का तो बहुत सुख है. क्या टेस्टी पराठा है, क्या कॉफी, क्या ये वाला प्लेन, सब मजे है ना बेबू.
अच्छा है ना, टेस्टी है ना बहुत पराठा। वाह मेरे को तो एकदम घर का बना हुआ लग रहा है। फास्ट चलता है। मम्मा इज द बेस्ट। मम्मा इज द बेस्ट इन द यूनिवर्स। हाँ, जो बेबू को घुमाता है ऐसी अच्छी जगह लेके आता है वो बेस्ट होता है। बाय मम्मा इज बेस्ट। बेबू ये देखो, मार दूंगा मर दूंगा मर दूंगा। हमारी बुकिंग नहीं थी लेकिन हमारे गाइड बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें केबल कार में रिटर्न ट्रिप हमारी करवा दी। वाओ ब्यूटीफुल। हेलो लुक हियर डार्लिंग। लकी आई थॉट लकी लकी या शी इज लकी। बस यही है, 5 मिनट का फील है, इसके बाद ये बोरिंग है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है इधर देखो, मेल्ट नहीं हो रहा, स्नो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कहाँ से? ऊपर से। ऊपर से आ रहा है ना? नहीं पता। पहाड़ से? हाँ। जितना बेबू को मजा आया उतना मेरे को मजा आया। सही है। मैंने तो घोड़ा का जैसे चल गया आपको। मुझे घोड़े में डर लगता है, ये अच्छा नहीं। घोड़ा गिर गया कभी तो? Ghoda rice was the best, that is paisa also. This is also not bad, it's good.